हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैंकिंग प्रो। सो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि हमारा जो एग्जाम्स में यू नो डिसिप्लिन के साथ अगर हम एग्जाम को प्लान करें देन हमारा एग्जाम जो विद इन ए शॉर्ट स्पान या फिर जल्दी हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। सो डिसिप्लिन का मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन में 10 to 15 घंटा पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप 4 to 5 hours या 3 to अगर आप फुल टाइम्स हो देन आराम से आप 5 to 6 hours दे सकते हो, देन इसका जो एफिशिएंट यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन सोर्सेस ऑफ एग्जाम्स को हमेशा जो की वर्ड है इट मस्ट बी लिमिटेड, ठीक है। तो जो भी आपके पास सोर्सेस है आपको उसका प्रॉपर यूज करने ऊपर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एवरी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे पकड़ लो स्टार्ट करते हैं हमारा जो हो जाता है करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स में जो हमारा रहता है सोर्सेस, जैसे कि आपने इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डेली एंड वीकली एंड मंथली, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल रिवाइज। सो डेली हमारा जो भी है कोई भी एक सोर्स से डेली करो एंड जो क्विज है उसको 2 to 3 सोर्सेस में आप दे सकते हो, ठीक है। एंड इसको जो रिवाइज है आप वीकली टारगेट करो रिवाइज का, एंड मंथली ये जो वीकली हो गया 4 times आप यहाँ पर मंथली मैगजीन के बदले में आप वीकली वालों को ही रिवाइज करना है, ठीक है। ये रहेगा डेली टारगेट के लिए अगर आप न्यू हो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना भी हो गया हमारा रीजनिंग हो गया या फिर क्वांट हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ठीक है। सो ये सब टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें, देखो ये सब टॉपिक में अगर हम देखा जाए तो क्या हो जाता है कि हमें बस बेसिक क्लियर करना है अपना, और बेसिक क्लियर होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट इज द प्रैक्टिस। सो अपना बेसिक आप कोई भी सोर्सेस से या फिर यूट्यूब में इंडिविजुअल टॉपिक को टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार बेसिक टिक मार्क हो गया उसके बाद हमारा रिवाइज एंड प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है जो कि हमारा मॉक्स के इंक्लूडिंग हो जाता है। और एक बात है जब आप मॉक्स देते हैं ना उसके इसका मतलब क्या है, अब बेसिक हो गया तो उसके रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज करना है। जैसे कि मंथली हो गया जो भी आपको टॉपिक में वीक लग रहा है या फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जब आप बेसिक एक बार आपका रिवाइज कर चुके हैं ना सेकेंड टाइम रिवाइज में आपको 1 to 2 hours के अंदर 1 hour में भी आप अपना क्वांट को कवर कर लोगे। रीजनिंग तो सिंपल कंसेप्ट एक बार हो गया तो मॉक्स में ये वाला टिक हो जाएगा, बस क्वांट के लिए थोड़ा बहुत जो प्रीवियस फॉर्मूला बेसिक को थोड़ा रिवाइज करना है, ठीक है। और इंग्लिश का एक बार आपने ग्रामर पढ़ लिए तो अकॉर्डिंगली यू कैन रिलेट, एंड मंथली इसको जो ग्रामर हो गया एक बार अगर आपको याद नहीं रह रहा है 1 month पढ़ लो, क्लोज योर आईज एंड रीड इट, उसके बाद आप इसको रिवाइज करने पर फोकस करो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि हमारा रहा दैट इज टू फोकस ऑन द रिविजन पार्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना जो सोर्सेस को है उसको लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने से सबसे फायदा हो जाता है कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड हमारा रहता है, साथ ही साथ हमारा और एक एडवांटेज रहता है दैट इज द फोकस, ठीक है। और ये जब रिविजन पार्ट रहता है आपको चाहे कोई भी बनाए, आप अपना जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने पहले देख लिए, आपको जो भी है जितना भी अभी जितना करंट अफेयर्स का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, करंट अफेयर्स में आप कोई भी सोर्स ले लो सब अभी अच्छा डाटा दे रहे हैं, बस आपका है कि आप एक ही करंट अफेयर्स को लाइन है उससे आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अपने से ही क्रिएट कर लो, ठीक है। सो सोर्सेस लिमिटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है, एंड फोकस करो। ऐसा हो सकता है कि आज नहीं तो कल या नहीं तो परसों पर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, एंड डिसिप्लिन विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही आपको ये जो है ना क्रॉस लाइन आप यहाँ यहाँ पर जाएंगे पर यहाँ के बीच में क्या क्या हो जाता है कि लोग रुक जाते हैं, ये मत सोचो कि क्यों रुक जाते हैं, ये वाला सोचो कि बहुत सारे लोग इसको क्रॉस किए हैं। थिंक पॉजिटिव, टेक योर गोल पॉजिटिव एंड यू डेफिनेटली क्रैक इट। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एंड सब्सक्राइब योर चैनल इफ यू लाइक द सेशंस, एंड कमेंट योर क्वेरीज एंड व्हाटएवर द टॉपिक यू वांट मी टू शेयर इन द नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Happy learning, enjoy the journey.